छुपे से आई गुंडा राज की एक और नई तस्वीर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक और नया तोहफा। जिया साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले एक नारा लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शायद ये नारा नहीं, ये चेतावनी थी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से यह नारा कहीं ना कहीं चेतावनी में तब्दील हो गया है। क्योंकि जिस जिस राज्यों में, उत्तर प्रदेश की अगर हम खास करके बात करें और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसी ही एक खबर हम आपके सामने लेकर आया है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक खबर आ रही है कि एक महिला के घर में घुस के उसके साथ में तीन ऐसे युवकों ने, तीन व्यक्तियों ने उसके साथ में उसके घर में घुसकर जबरन मारपीट किया और मारपीट करने के बाद में उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया, इस तरीके से उसके ऊपर लातों घूसों और डंडों से उसके तरह उसके उसको मारा गया जैसे इंसान किसी जानवर को पीटता है, और वो भी बेरहमी से। आपको ये तीन शख्स दिखाई देंगे और ये जो शख्स है ये उस महिला को जिस तरीके से मार रहे हैं, जिस तरीके से पीट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हमको नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला के सम्मान की बात होती है, उस राज्य में और उस देश में इस तरीके के महिलाओं के साथ में जब अन्याय अत्याचार की घटना होती है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी काहे चुप हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी जी क्यों इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते? क्या इनकी कानून व्यवस्था सच में लंगड़ी और लूली हो चुकी है? सवाल ये उठता है कि खासकर बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ में और बहुजन महिलाओं के साथ में ऐसी घटना क्यों होती है? घटना भले ही दिल दहलाने वाली है लेकिन समाज के लोगों को सोच में डालने वाली घटना है कि आए दिन ऐसी घटनाएं अगर बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में होती रहेगी तो इस देश को आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जो लोग लगे पड़े हैं ये शायद ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जब तक कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों का, बहुजन समाज के विचारधारा में जिन्होंने विश्वास रखा हुआ है, बहुजन समाज के उन महापुरुषों के संघर्ष को जिन्होंने याद रखा है, वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी जब तक कि ऐसी घटनाएं होती है तब इसके ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? इन घटनाओं के ऊपर किसी पुलिस कर्मियों के द्वारा खुद इसके ऊपर कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाई जाती? क्योंकि इस देश में तमाम 85% बहुजन समाज के साथ में ऐसी घटना आए दिन देखने को मिलती है। इन बातों को कहीं ना कहीं अगर किसी की फुटेज मिल जाए तो वो खबर वायरल हो जाती है, वो खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन जहां पर सोशल मीडिया काम नहीं कर पाता, जहां पर नहीं पहुंच पाता, वो आवाज वहीं पर सीमित हो जाती है और वहां पर दब जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं जो है आपको देश के कोने कोने से देखने को मिलेगी जहां पर हर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीओ के साथ में इस तरीके के मनुवादी मानसिकता के लोग, सवर्ण मानसिकता के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। एक महिला को इतनी बर्बरता से अगर पीटा जा रहा है, एक महिला को इतने बेरहम तरीके से अगर पीटा जा रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में जागतिक महिला दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं तो किस महिला दिन की और किस मुंह से इस देश के प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं देने वाले हैं? सवाल उठता है ताकि इस देश में महिलाओं को जिस तरीके से सम्मान देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के अपमानजनक वीडियो सामने आ रहे हैं, अपमानजनक घटनाएं सामने आ रहे हैं, तो क्या वाकई में इस देश में महिला सुरक्षित है? वाकई में इस देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए हैं? और अगर मिले हुए हैं तो वो कौन लोग हैं जो हमेशा से ही इनको प्रताड़ित करते आ रहे हैं, जो हमेशा से ही इनके ऊपर अन्याय, अत्याचार और सितम ढाते आ रहे हैं? तमाम घटनाक्रम को आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।